हेलो एवरीवन तो आज हम लाप्लास का कुछ एप्लीकेशन करने जा रही हूँ चलो देखते हैं कैसे ये सब बाकी सब लैपलास का फॉर्मूला यूज़ होता है तो ये रहे एक प्रॉब्लम तो इसका हम लोग का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले तो ये साइन थ्री टी का लाप्लास करना पड़ेगा उसका बाद t साइन थ्री टी उसके बाद e टू दी पावर माइनस टी टी साइन थ्री टी का लैप्लस करना पड़ेगा तो लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थ्री टी क्या आता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का क्या आता है ए बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका क्या आएगा a का वैल्यू इधर थ्री है तो थ्री बाई ए स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इसके बाद क्या करना पड़ेगा लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन थ्री टी क्या होगा टी इंटू समथिंग क्या होगा माइनस वन इसके ऊपर क्या आएगा एन इन. एन का वैल्यू क्या है वन तो डी बाई डी एस इसके बाद क्या आएगा एफ एस एफ एस का वैल्यू क्या है थ्री बाई ए स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर तो यह क्या होगा सिक्स एस बाई ए स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर होल स्क्वायर आप क्या करने पड़ेगा नाउ यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो इधर क्या है इ टू दावर माइनस टी तो लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ इ टू दावर माइनस टी टी साइन थ्री टी तो मैंने क्या बोला था इधर जब माइनस होगा तो ये क्या होगा सिक्स एस प्लस वन क्योंकि इधर माइनस है अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा बाय ए स्क्वायर मतलब एस प्लस वन उसका होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर मतलब नाइन होल स्क्वायर मतलब क्या आ रहा है सिक्स एस प्लस वन बाय ए स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टेन उसका होल स्क्वायर चलो तो आप देख लेते हैं और एक प्रॉब्लम यह क्या आ रहा है डिवाइडेड तो पहले वाला एग्जाम्पल की तरह ही है बट यह क्या आ रहा है डिवाइडेड बाई टी तो इसका क्या फॉर्मूला आता है लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ डैश एस तो क्या आएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनीटी एफ डैश एस डी एस तो इसी ये जो फॉर्मूला है ना यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा इट्स मैथ्स के लिए तो चलो देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी बाई टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी तो लैपलास ट्रांसफर ऑफ कॉस एटी का क्या आता है एस बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस साइन यह क्या आएगा एस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी है तो क्या करना पड़ेगा करके एस टू इन्फिनिटी और यह क्या हो आएगा टी साइन ए टी का माइनस वन टी का पावर कितना है वन डी बाई डी एस ए बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो क्या होगा वन बाई टू लॉक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ला प्लस वन बाई टू लॉक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका लिमिट क्या था एस टू इंफिनिटी माइनस उधर डी डी एस ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा ए पर टू एस बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर उसके बाद इसका वैल्यू लगाना पड़ेगा क्या होगा वन बाई टू लिमिट ऑफ एस टू इन्फिनिटी log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन लॉग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एस बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अब वन बाई टू लॉग वन प्लस जीरो इसका लिमिट लगाया जाए तो इसका वन प्लस ज़ीरो माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एस बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर तो क्या आएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका प्लस 2 a एस बाय a square ए स्क्वायर square, square, square इधर क्या आएगा log 1 log 1 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं log 1 equal to zero तो ये अगले वाला मैथ के ही तरह है बस इसका इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनी ले लिया इसका वैल्यू हमने अगले बार ही निकाला क्या था वन बाई टू लॉक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी एस का वैल्यू या क्या है एस इक्वल टू वन तो हम लोग इधर एस का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा वन बाई टू लॉग ऑफ वन बाई बी स्क्वेर बाई वन प्लस ए स्क्वेर बस ये इजी सा एक था तो इधर एक मैथ्स दिया इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसको देख के ही लग रहा है ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड मतलब पी पी क्या है टू पाई बाई ओमेगा। तो क्या बोला एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड टू पाई बाय ओमेगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग आगे ही आ, पढ़ ली क्या वन बाई वन माइनस ई टू द पावर माइनस पी एस पी क्या होता है पी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा ज़ीरो टू पी पी मतलब टू पाई बाय ओमेगा ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी इधर एफ टी क्या होगा साइन ओमेगा टी तो हम लोग क्या लिखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू वन बाय वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू पाई बाय ओमेगा एस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई बाय ओमेगा टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी का वैल्यू क्या है माइनस सॉरी साइन ओमेगा टी साइन डी टी तो हम लोग ये क्या करेंगे वन माइनस वन ई टू पावर टू पाई बाई ओमेगा एस हम ये क्या करेंगे जीरो जीरो टू पाई बाई ओमेगा एंड ओमेगा पाई बाई ओमेगा टू टू पाई बाई ओमेगा टू द पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई ओमेगा टू पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी पर यह क्या होगा पाई बाई ओमेगा और टू पाई बाई ओमेगा का यह क्या होगा इसका साइन ओमेगा टी का वैल्यू जीरो आएगा और ई टू दी पावर माइनस एस टी या होगा तो उसके बाद क्या किया उसको सिंपल सा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में लिखे उसके बाद इसका लिमिट इसके अंदर डाला तो उसके बाद ये ओमेगा जो है उसको कॉमन लिया तो इधर से और इधर से कॉमन आएगा तो ये कट जाएगा तो इस इसका फाइनल आंसर होगा ओमेगा बाई वन माइनस ई टू दी पावर माइनस पाई एस बाई ओमेगा a square plus omega square.